हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 12, डिटरमिनेंट्स का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 और उसके आगे के प्रश्न डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 16 लगभग लगभग सेम था। हम लोग को दोनों को प्रूव भी इतना ही करना था। आप देखे होंगे पिछले वीडियो में सेम चीज़ प्रूव करना था, सिर्फ यहाँ पर जो लेफ्ट साइड तरफ है वो हम लोग को क्या है, चेंजिंग है। तो हम लोग वैसा ही हम लोग क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। LHS तर कितना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर है ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी सी ए सी ए बी। अब देखिए, इसमें ऐसा क्या किया जाए कि हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको या तो इसमें हम लोग इसको माइनस कर दें, या तो इसमें हम लोग को इसको माइनस कर दें, या तो फिर इसको यहाँ माइनस कर दें, दोनों सेम चीज़। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा। तो क्या करते हैं, कॉलम टू में चेंजिंग करते हैं, कॉलम टू माइनस कॉलम वन, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी ए सी ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर कट गया। तो इधर क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी सी ए सी ए बी। अब उसको हम लोग, अब एक क्वेश्चन देखिए हम लोग का जो है आ गया क्वेश्चन नंबर 16 के टाइप में। यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो हम लोग क्वेश्चन जब 16 ही बन जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको क्या कर देते हैं, हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर दें, इसको ब्रेक कर देते हैं, हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टू बी सी, फिर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि इसको ब्रेक करेंगे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस टू बी सी प्लस सी स्क्वायर, माइनस लगा हुआ है तो माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, हो जाएगा बी सी ए सी ए बी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी हम लोग माइनस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर से हम लोग माइनस यदि कर दें फिर से, तो यहाँ पर बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ से माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए टू बी सी है, टू ए सी है, टू ए बी है, इसको हम लोग दो से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दें तो भी हम लोग का काम क्या हो जाएगा, तो एक कट जाएगा। तो हम लोग दो दो ऑपरेशन को एक बार ना लगा के अलग अलग लगाते हैं, ज़्यादा आसान होगा। तो क्या करते हैं, कॉलम टू में चेंजिंग करते हैं, कॉलम टू माइनस कॉलम वन, तो ये मेरा हो जाएगा क्या चीज़, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू बी सी, फिर क्या हो गया माइनस सी स्क्वायर, फिर है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा टू ए सी, यहाँ है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इधर जो है रहने देते हैं बी सी ए सी ए बी। अब हम लोग इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, इसको जीरो मतलब इसको हटा सकते हैं, दो से मल्टीप्लाई करके इसे माइनस कर दें। क्या करते हैं, कॉलम टू में चेंजिंग करते हैं, टू इंटू कॉलम थ्री, तो हो जाएगा या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देखिए इन तीनों से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं सिर्फ तीन टर्म से, तो हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू बी सी, यहाँ हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी, यहाँ हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी, दो से मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिए तो माइनस टू बी सी माइनस टू ए सी माइनस टू ए बी, तो हो जाएगा बी सी ए सी ए बी,
देखिए एक कट गया। अब देखिए सेकेंड कॉलम से क्या कॉमन हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विल कॉमन, तो हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वन माइनस वन माइनस वन, फिर यहाँ से हो जाएगा बी सी ए सी ए बी। तो लोग यहाँ से माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, चलिए माइनस कॉमन ले लेते हैं ज़्यादा बढ़िया रहेगा, हाँ प्लस वन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी दो टर्म को जीरो कर सकते हैं, तो क्या करते हैं, तो रो वन में चेंजिंग करते हैं रो वन माइनस रो टू, रो टू में चेंजिंग करते हैं रो टू माइनस रो थ्री। अब चेंजिंग करते हैं, इसको इधर मिटा दें, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इधर माइनस ए स्क्वायर माइनस इधर बाहर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा जीरो, यहाँ से हो जाएगा बी सी माइनस ए सी, फिर यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जीरो, तो यहाँ से हो जाएगा ए सी माइनस ए बी सी स्क्वायर वन ए बी। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जीरो, यहाँ से हम लोग माइनस सी कॉमन निकाल देंगे तो हो जाएगा ए माइनस बी, तो हो जाएगा बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी जीरो, तो यहाँ से माइनस ए कॉमन निकाल देते हैं बी माइनस सी सी स्क्वायर वन ए बी। अब देखिए फर्स्ट वाले रो से ए माइनस बी, सेकेंड वाले रो से बी माइनस सी कॉमन है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस पहले से कॉमन लेकर रखे ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा ए प्लस बी जीरो माइनस सी, फिर है बी प्लस सी जीरो माइनस ए, फिर हो जाएगा सी स्क्वायर वन, ये हो जाएगा ए बी। हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकेंड वाले कॉलम के अलावा एक्सपेंड कर सकते हैं, तो हो जाएगा एक्सपेंडिंग एलॉन्ग सेकेंड कॉलम, इधर मिटाते हैं, यदि हम यहां से क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको सेकेंड कॉलम के अलावा एक्सपेंड करेंगे, यहाँ जीरो है, जीरो का साइन यहाँ पे लेंगे क्या होगा, इसका पोजीशन है पहला रो दूसरा कॉलम वन टू, मतलब नेगेटिव साइन, तो हो जाएगा माइनस जीरो से उधर करेंगे तो हो जाएगा प्लस जीरो इधर हो जाएगा। अब यहाँ पे पीछे साइन क्या होगा माइनस का, क्योंकि तो इसका पोजीशन कितना है तीसरा रो दूसरा कॉलम थ्री टू, तो थ्री टू थ्री प्लस टू फाइव ऑड नंबर क्या होगा नेगेटिव साइन वन। अब इसको लेंगे तो ए कैंसल ए कैंसल, तो हो जाएगा यहाँ पे ए मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा माइनस ए इंटू हो जाएगा ए प्लस बी, फिर इसको लेंगे माइनस माइनस सी, फिर इंटू हो जाएगा बी प्लस सी इतना, तो ये मेरा हो जाएगा माइनस ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर कुछ फर्क पड़ता नहीं। अब यहाँ पे है माइनस माइनस, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो हो जाएगा बी सी इंटू ये हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर, माइनस ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर जीरो को हटा ही देते हैं तो हो जाएगा माइनस, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस दे देते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट देखिए यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कॉमन क्या है देखिए बी कॉमन, तो हो जाएगा सी माइनस ए, ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए इन दो इसको हम क्या ले सकते हैं सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, ये हो जाएगा c माइनस ए इंटू सी प्लस ए प्लस बी इंटू सी माइनस ए, देखिए इसमें c माइनस ए विल कॉमन,
ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बच गया यहाँ से सी प्लस ए प्लस बी, मतलब हो जाएगा यह ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये मेरा क्या है, तो आर एच एस आ गया है। तो हिंस इस प्रकार से क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर जो 17 था जो है प्रूफ हो गया। और 17 के साथ ही ये हम लोग का जो है टाइप वन में जो है, जो किसी से हम देखिएगा बुक में, तो टाइप वन हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप टू, इसको नोट कीजिए, आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है, इसमें प्रूफ करना है 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। सॉल्यूशन कीजिए उसी प्रकार, इसे भी कुछ दिमाग लगाना है। तो एल एच एस में क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इसमें आखिर ऐसा क्या किया जाए कि कुछ काम बन जाए। यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हाँ एक जीरो हो गया। तो क्या करते हैं, रो वन में माइनस कर देते हैं, रो वन माइनस रो टू माइनस रो थ्री, तो हो जाएगा कितना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको यहाँ माइनस करेंगे माइनस बी स्क्वायर, इसको भी माइनस कीजिएगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए पूरा कट गया, अगर क्या कट गया, ए स्क्वायर कट गया, और कट क्या, ए स्क्वायर कट गया। अब बच गया यहाँ पे जीरो माइनस टू सी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर, हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या कुछ किया जाए, तो किसी तरह एक और एलिमेंट को हम लोग यदि जीरो कर दें, या तो फिर फर्स्ट रो के एक एलिमेंट को जीरो कर दें, या तो फिर फर्स्ट कॉलम के एक एलिमेंट को जीरो कर दें, तो हम लोग को एक्सपेंड करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो देखिए हम लोग एक एलिमेंट को जीरो कर सकते हैं, तो जीरो कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो जीरो करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए ऐसा क्या किया जाए कि जीरो हो जाए, तो जीरो करने के लिए क्या करते हैं, देखिए यदि इसमें बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता और इसमें सी स्क्वायर से होता, तो यहाँ होता टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर होता टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और दोनों में माइनस कर देते तो एक जीरो हो जाता। या तो फिर ये हम लोग कॉलम के अलाउ बात की, यदि रो के अनुसार देखिए, सेकेंड रो को हम लोग क्या करते हैं, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते, और थर्ड रो को हम लोग बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ भी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ भी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और एक दूसरे को माइनस कर देते तो भी जीरो हो जाता। तो आप तो रो में ऑपरेशन लगाए, आप तो कॉलम में लगाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग अपना मर्जी, आप तो रो में लगाएं आप तो फिर कॉलम में लगाएं। तो चलिए हम लगाते हैं, रो में ही लगा देते हैं। तो क्या करते हैं, रो टू में चेंजिंग करना हो आपको, रो थ्री में जैसे मर्जी, तो रो टू में भी चेंजिंग करना हो तो सेकेंड वाले रो में कॉलम में लगाइए, नहीं तो रो टू में ही लगा छोड़िए, रो टू में, तो रो टू में इसको जीरो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको सेकेंड वाले रो को कितना मल्टीप्लाई होगा, करना होगा सी स्क्वायर इंटू रो टू, फिर माइनस, फिर क्या होगा, इसको बी स्क्वायर से करना होगा थर्ड रो को, तो हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू रो थ्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा इस एलिमेंट पोजिशन का जो एलिमेंट है वो मेरा क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा, जीरो कीजिए। देखिए हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं सेकेंड रो में, और सेकेंड रो को कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सी स्क्वायर से, मतलब हमको सी स्क्वायर क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा। तो चलिए हम लोग सी स्क्वायर से सबसे पहला काम डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा जीरो, और हो जाएगा माइनस टू सी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर। अब इसको कितना से मल्टीप्लाई करना है, तो सेकेंड रो को सी स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर
सी स्क्वायर, इसको कितना करना है सी स्क्वायर से, पहले वो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सी का पावर फोर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको कर देंगे सी स्क्वायर से, इधर माइनस टू बी स्क्वायर, इसको कर देंगे कितना सी स्क्वायर से, तो हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको थर्ड वाले रो को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, तो बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस करेंगे, तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिए, तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको हम लोग बी स्क्वायर से माइनस करके मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिए, तो बी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी का पावर फोर, इधर हो जाएगा मेरा सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए लाइला कट गया, तब क्या हो गया वन बाय सी स्क्वायर जीरो जीरो सी स्क्वायर माइनस टू सी स्क्वायर सी का पावर फोर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस टू बी स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी का पावर फोर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए फर्स्ट वाले रो से सॉरी फर्स्ट वाले कॉलम से हम लोग सी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो फर्स्ट वाले कॉलम से हम लोग क्या करते हैं तो सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, तो जीरो जीरो वन हो जाएगा माइनस टू सी स्क्वायर सी का पावर फोर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी का पावर फोर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक कट गया। हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट वाले कॉलम के लॉन्ग हम लोग क्या करते हैं एक्सपेंड कर देते हैं, या तो चाहें हम लोग यहाँ देखिए फर्स्ट वाले रो से क्या कॉमन ले सकते हैं माइनस टू कॉमन ले सकते हैं, चलिए माइनस टू कॉमन ले ही लीजिए, माइनस टू कॉमन ले लें जीरो जीरो वन के हो जाएगा सी स्क्वायर यहाँ से बी स्क्वायर सी का पावर फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी का पावर फोर सी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या कीजिए फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, तो हो जाएगा एक्सपेंडिंग एलॉन्ग फर्स्ट कॉलम, इधर मिटा देते हैं इधर नोट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा जीरो इधर कैलकुलेशन खत्म माइनस जीरो इधर कैलकुलेशन खत्म वन, तो ए लेंगे ए कैंसल ए कैंसल ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी का पावर फोर, फिर हो जाएगा माइनस अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इंटू c का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर यहाँ से इधर तो हो जाएगा माइनस टू इधर तो कैंसिल हो गया इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना जाएगा बी स्क्वायर सी का पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा बी का पावर 4 सी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी का पावर 4 माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी का पावर फोर माइनस फिर हो जाएगा कितना ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी का पावर फोर सी स्क्वायर। देखिए कुछ टर्म कट रहे हैं तो बी का पावर फोर सी स्क्वायर यहाँ पे है बी का पावर फोर सी स्क्वायर यहाँ पे है तो बी स्क्वायर सी का पावर फोर बी स्क्वायर सी का पावर फोर। अब यहाँ से क्या बच गए तो यहाँ से बच गया मेरा एक मिनट हम लोग थोड़ा सा पीछे जाइए यहाँ पे हम लोग मिसप्रिंट किए हैं क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे क्या होता सी स्क्वायर होता जो कि गलती से हम लोग क्या लिखे थे तो बी स्क्वायर लिख दिए थे इसको हम लोग फिर से कीजिए यहाँ पे एक मिनट अब हो जाएगा यहाँ पे कितना इसको मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा कितना सी स्क्वायर अभी हो जाएगा माइनस टू
मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जाएगा सी का पावर 4 डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी का पावर 4 सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी का पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी का पावर 4 सी स्क्वायर। देखिए तो कुछ कट रहा है, बी स्क्वायर सी का पावर 4 बी स्क्वायर सी का पावर 4 बी का पावर 4 सी स्क्वायर बी का पावर 4 सी स्क्वायर तो माइनस 2 इधर कितना हो गया माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया आर एच एस एम्स हो गया। बताओ लोग को थोड़ा सा भी गलती नहीं करा है, देखिए मिस्टेक से सी स्क्वायर यहाँ पर ए स्क्वायर लिख देते थे हम लोग को आंसर नहीं आ रहा था, तो क्या करेंगे हम लोग जो भी बनाएंगे इसको केयरफुली देखते हुए बना चलेंगे कहीं गलती से हम लोग दूसरा चीज को नहीं उतार दिए हैं, और हम लोग प्लस माइनस को साथ में रख के बनाना है ध्यान से। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ये हम उत्तर हम लोग को प्रूव करना है। पहले हम एल एच एस लिख लें, ए बी एक्स प्लस बी वाई बी सी बी एक्स प्लस सी वाई, इधर है ए एक्स प्लस बी वाई बी एक्स प्लस सी वाई जीरो। देखिए इसको बनाना ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ ध्यान से देखिए यहाँ पे है ए बी है तो इधर है ए एक्स बी वाई, यहाँ बी सी है तो बी एक्स सी वाई, सेम कंसिडर है ए बी है तो ए एक्स बी वाई बी सी है तो बी एक्स सी वाई, या तो हम लोग यदि रो में ऑपरेशन लगाए तो इन दोनों को जीरो कर सकते हैं, यदि कॉलम में ऑपरेशन लगाए तो इन दोनों को जीरो कर सकते हैं। आखिर जीरो कैसे कर सकते हैं, यदि इसमें वो क्या करें फर्स्ट वाला रो में लगाते हैं तो रो में यदि हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में हम लोग वाई से मल्टीप्लाई कर दें और थर्ड रो में हम लोग माइनस कर दें, मतलब इस तरह से रो 3 माइनस ये हो जाएगा एक्स रो 1 माइनस वाई रो 2, हम लोग किसमें चेंजिंग कर रहे हैं रो 3, तो मतलब ए जीरो हो जाएगा ए जीरो, ये मेरा जीरो खत्म हो जाएगा, तो मतलब थर्ड रो के अलावा एक्सपेंड कर दें, या तो फिर हम लोग कॉलम 3 में चेंजिंग करें तो क्या करना होगा कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 को हम लोग क्या कर दें एक्स इंटू कॉलम 1 माइनस वाई इंटू कॉलम 2, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ माइनस करें फिर इसको वाई से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दें, तो ये दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे। तो आपको मर्जी जिस जैसे करना है कैसे कर सकते हैं, आप तो रो में ऑपरेशन लगाइए आप तो कॉलम में ऑपरेशन लगाइए, किसी भी तरह से आप ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो चलिए कॉलम में ही लगा देते हैं, तो क्या कर रहे हैं कॉलम 3 में चेंजिंग, तो कॉलम 3 माइनस तो क्या कर रहा है एक्स कॉलम 1 माइनस वाई कॉलम 2, अब यहाँ से कोई एलिमेंट्स हम लोग को डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वही चेंजिंग कर रहे हैं कॉलम 3 में और कॉलम 3 में कोई नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किए हैं। देखिए फर्स्ट वाले कॉलम में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा ए एक्स बी वाई, सेकेंड वाले कॉलम में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, चेंजिंग किस में होगा थर्ड कॉलम में, तो जगह ए एक्स बी वाई, तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले कॉलम को एक्स से, तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे हो जाएगा माइनस ए एक्स, इसको वाई से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे तो माइनस बी वाई, यहाँ से कितना है ये है बी एक्स प्लस सी वाई, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे माइनस बी एक्स, इसको वाई से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे सी वाई, इधर ऑलरेडी जीरो है और इसको हम लोग क्या करें एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी वाई माइनस इसको वाई से करेंगे तो हो जाएगा बी एक्स प्लस सी वाई। देखिए ए पूरा जीरो ए जीरो तो हो जाएगा ए बी ए एक्स प्लस बी वाई बी सी बी एक्स प्लस सी वाई हो जाएगा जीरो जीरो, इधर मल्टीप्लाई कीजिए आप तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ तो यहाँ पीछे प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते डायरेक्ट हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी एक्स वाई, यहाँ तो बीच में प्लस का स्थान हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो हो जाएगा बी मतलब एक्स बी वाई समझे बी एक्स वाई प्लस हो जाएगा सी वाई स्क्वायर, तो ए मेरा क्या हो जाएगा देखिए इधर
जाएगा ए बी ए एक्स प्लस बी वाई, जाएगा बी सी बी एक्स प्लस सी वाई, इधर जीरो जीरो माइनस, देखिए हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई कितना हो जाएगा टू इंटू बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। एक बार चेक कर लें उधर आपको पूरा दिखाई दे रहा है या नहीं। हाँ तो आपको दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्ड वाले कॉलम से क्या कॉमन ले सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स वाई प्लस सी स्क्वायर, जो कि कॉमन भी चाहिए कॉमन भी है। तो लोग क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर विल कॉमन, तो बच क्या गया यहाँ से ए बी जीरो बी सी जीरो, हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई, हो जाएगा बी एक्स प्लस सी वाई माइनस वन। अब क्या करना है तो थर्ड कॉलम के अलावा एक्सपेंड कर लीजिए, ये हो जाएगा एक्सपेंडिंग एलॉन्ग थर्ड कॉलम, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसका साइन क्या होगा, कौन सा इसका क्वेश्चन है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वन थ्री, तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा जीरो, फिर इधर जीरो और हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस वन का साइन, तो ये लेंगे ए कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, हाँ देखिए ए सी माइनस बी स्क्वायर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, हो जाएगा जीरो जीरो और हो जाएगा माइनस। हाँ तो हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देते हैं एक बार, यहाँ तो प्लस है माइनस वन फिर माइनस कॉमन निकाल दें, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी, माइनस कॉमन इसे निकालें क्योंकि हम लोग को प्रूव भी करना है बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर जीरो जीरो, हो जाएगा प्लस, तब हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी। अब देखिए ओवरऑल क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। अभी हम लोग का क्या है, देखिए आर एच एस है, ये हो गया आर एच एस, हेंस इस प्रकार से क्या हो गया एक क्वेश्चन जो हो गया क्वेश्चन नंबर 19 जो हम लोग का प्रूफ हो गया। तो चलिए यहाँ इधर पूरा दिख रहा है आप लोगों को, एक मिनट। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया 19 कंप्लीट हो गया, और जो बचे हुए जो क्वेश्चन है 20 और उसके आगे के प्रश्न हम लोग डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं जितना आपको बताया गया सेम आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।